चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और क्वेश्चन यहां पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन कहां तक हुए थे? क्वेश्चन हम नाइन कर लिया आपने? सत्यम, क्वेश्चन नाइन हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? इसमें क्या था क्वेश्चन नंबर नाइन में? क्या था क्वेश्चन नाइन में और पेज नंबर 375? क्वेश्चन नंबर नाइन में कहा गया है कि इलिप्स है और इलिप्स की क्वेश्चन की दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। साथ में दी हुई है लाइन और लाइन कैसे दी हुई है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस 1। और ये क्या है? ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। और हमसे बोला गया है छोटा एरिया निकालने के लिए, वो एरिया जो इस लाइन और इलिप्स के बीच में है और स्मॉलर है, लार्जर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इलिप्स की फिगर बनाओ और लाइन को बनाओ। अब जिसको पता है वो बना देगा एक मिनट में, क्योंकि ये इलिप्स वो मान के चलेंगे, जब कुछ नहीं दिया है तो मान के चलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल। तो भाई स्ट्रेस तो हो गया ये इलिप्स। इस इलिप्स में मैंने ए को लिया है एज अ मेजर और बी को लिया है माइनर। मैं मान के चला हूं यहां पे कि ए ज्यादा है और बी कम है, तो यहां से यहां तक होता है ए, एक क्लास में पढ़ा था आपने, यहां से यहां तक होता है ये बी, ये हो गया जीरो बी। क्लियर? अब लाइन जो दी हुई है वो दी हुई है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इट मींस वो एक्स एक्सिस पे जाएगी ए डिस्टेंस से और वाई पे जाएगी वो बी डिस्टेंस से। क्लियर? तो एक्स पे ए ये हो गया, वाई पे बी ये हो गया, तो लाइन चलेगी ऐसे। और इसके ऊपर इसका नाम लिख दो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो वो हमसे कह रहे हैं इस एरिया के बारे में, सुनना कुछ जो सत्य हो। ठीक है, हमें निकालना है वो एरिया। अब वो एरिया कंप्लीटली लाई कर रहा है हवा में। ठीक है, वो किसी को पता है नहीं, ना वो एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? उसको जोड़ना पड़ेगा जमीन से। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम कर लो, फिर हम इसको मान लीजिए ओ ये ए ये बी, तो हम चलेंगे एक बार इस इलिप्स के नीचे लेकर के एक वर्टिकल स्ट्रिप को, वो स्ट्रिप जाएगी यहां से यहां तक और निकालेंगे ये एरिया निकल जाएगा। इस स्ट्रिप के दो एंड हैं, एक एंड खिसक रहा है एक्स एक्सिस पे जीरो से लेकर के ए तक और दूसरा एंड इस स्ट्रिप का वो टच कर रहा है इस इलिप्स को। क्लियर है? तो दोनों एंड यूजफुल है स्ट्रिप के। तो हम निकालेंगे एक बार ओ ए बी, ये कंप्लीट एरिया इस स्ट्रिप का एंड दूसरे बार टच करेगा इस इलिप्स को, निकल जाएगा। उसके बाद निकालेंगे लाइन से नीचे का एरिया, निकल जाएगा वो भी। और पूरे एरिया में से जो लाइन के नीचे वाला एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपर एरिया। ठीक है, तो चलिए लिखता हूं यहां पे कुछ, आप लें जे सी और डी, जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब ए सी डी बी पे जाएंगे तो पता चलेगा कौन सा रास्ते जा रहे हो।
सी के थ्रू जा रहे हो या डी के थ्रू जा रहे हो, तो लिखेंगे हम रिक्वायर्ड एरिया जो हमें निकालना है, तो वो आएगा ए सी बी डी ए। निकालना तो हमें सिर्फ ये एरिया है और ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ माइनस ओ ए डी बी ओ, एरिया ऑफ स्ट्रिप जाएगी तो केस में वर्टिकल, तो ये आ जाएगा। अब वर्टिकल जाएगी तो लिमिट कहां से मिलेगी, एक्स एक्सिस से कहां से कहां तक, जीरो से ए तक दोनों केस में। एक्स इक्वल्स टू जीरो से ए तक स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स, लेकिन इस एरिया में टच होगा इलिप्स, तो नीचे लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन वन। उसके बाद माइनस जीरो से ए वाई डी एक्स लाइन, और इसमें आ जाएगा स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो कुछ आपका आ जाएगा नहीं, उसके लिए हमें खेद है। ठीक है, आप मूवी देखते रहना, सामने मूवी क्या चल रही है, क्योंकि आप बीच में आए हो तो क्लियर तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें इंडिकेशन भी है, बाप पता नहीं है। ठीक है, इलिप्स लाइन वो क्लास इलेवेंथ में था या फिर रिवाइज भी किया था, आए नहीं थे तो टोटली ये ब्लैंक जाएगा, इसमें आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, बस देखते रहना। ठीक है, सुन में आए ना आए देखते रहना। उसके बाद में यहां से निकालेंगे y की वैल्यू और निकाल के यहां रख देंगे, तो ये आ जाएगा जीरो से a तक a माइनस, और यहां से जब निकालेंगे y की वैल्यू वो आ जाएगी वन माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और क्या आएगा b स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। b में काम कर लेते हैं, b भाग लेता हूं मैं, तो ऐसे बन जाएगा और इंटू डी एक्स आएगा एक्स इक्वल्स टू जीरो से ए तक, यहां से वाई की वैल्यू कितनी आएगी वन माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी इंटू डी एक्स। चलिए आगे, एक्स इक्वल्स टू जीरो से ए तक, यहां पे मैं ए स्क्वायर लूंगा एलसीएम और वही ए में बाहर निकाल लूंगा बी अपॉन ए, तो यहां आ जाएगा बी अपॉन ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स, और यह आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू जीरो से ए तक, यहां से ए बाहर आ जाएगा बी अपॉन ए, तो बनेगा ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कर लेंगे इसको इंटीग्रेट, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, इसके लिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो फॉर्मूला अप्लाई करके हमें लिख देना और फिर रख देना पहले अपर वैल्यू बाद में लोअर वैल्यू। रही बात इसकी, तो बी अपॉन ए तो जाएगा स्टार्टिंग में, अंदर क्या बचा ए माइनस एक्स, और जब करोगे ए माइनस एक्स को इंटीग्रेट तो ए का बन जाएगा ए एक्स, क्योंकि ए में जब करोगे तो ए बाहर लोगे तो बचेगा वहां पे वन, वन का होता है इंटीग्रेशन एक्स, तो ए का तो आ जाएगा ए एक्स और एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ऐसे कर लेना। इसके बाद चलता हूं क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है।
हद तक कर रहे हो, ये तो सब आपके पास में है, हमारे पास तो ऐसे तो सोचा नहीं है बैठे क्या इसको एग्जाम में ले जाना, एग्जाम में ले जाकर अरे चले जाना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, चले अभी थी आपके लिए सब कुछ हो सकता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेके चले जाना पेज फाड़ के ले जाना सब कुछ, सब बड़ी बात है। और 11-12 के लिए जो सेशन शुरू हो रहा है हमारे यहाँ पे, वो शुरू हो रहा है अप्रैल से, तो यदि किसी की इच्छा हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी शुरू कर रहे हैं, जल्दी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो अप्रैल से जो है शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन, तो जिसका रहा है चलिए खैर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, तो कोई आपके जानने वाला उसको बता देना है कि 11-12 के जो नेक्स्ट सेशन है 9-10 वो शुरू कर रहे हैं अप्रैल से, तो उसको ज्वाइन करें फॉर बेटर फ्यूचर, ठीक है, उसमें ऑनलाइन चलेगी सर क्लास नहीं, ऑनलाइन चलेगी ऑफलाइन चलेगी, क्योंकि उससे मतलब कुछ ही हो जाएगा, तो दोबारा चांस मिल जाएगा, ठीक है अप्रैल से शुरू करें, रिविजन शुरू करना है नहीं, रिविजन तो उसका होगा जिसने कुछ पहले किया होगा, जिसने कुछ पहले किया नहीं उसका क्या रिविजन होगा, उसके लिए तो हाँ सब कुछ खुल जाए अप्रैल से करेंगे बस अप्रैल से, ठीक है चलिए क्वेश्चन है मोड एक्स प्लस मोड वाई प्लस टू वन, तो सुनो ध्यान से मोड एक्स की डेफिनेशन क्या है, माइनस एक्स और प्लस एक्स, माइनस प्लस एक्स, और माइनस एक्स का होता है जब ये एक्स लेस देन जीरो होगा, और प्लस एक्स कब होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जो आप देख रहे हो मोड एक्स मोड वाई यहां से बनेंगी फोर लीनियर इक्वेशन, कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक बार मोड एक्स को लेंगे हम पॉजिटिव और वाई को लेंगे पॉजिटिव तो बन गई पहली इक्वेशन, फिर दूसरी बार में एक्स को लेंगे नेगेटिव वाई को लेंगे नेगेटिव तो बन गई दूसरी इक्वेशन, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव ऐसे तो बनेगी चार इक्वेशन, तो x माइनस वाई प्लस टू वन और माइनस x प्लस वाई प्लस टू वन, तो जो आपको आसानी से दिख रहा था मोड x प्लस मोड y वो अपने आप में बन गया कन्वर्ट हो गया इन फोर लीनियर इक्वेशन में, ये जो मैंने शुरू में लिखा है x प्लस वाई प्लस टू जीरो ये तब की बात है सत्यम जब x और y दोनों ही जीरो से बड़े हैं, ये मैंने तब लिखा है जब x और y दोनों ही जीरो से कम हैं, ये मैंने तब लिखा है जब x ग्रेटर देन जीरो है लेकिन y लेस देन जीरो है, ये मैंने तब लिखा है जब x लेस देन जीरो है लेकिन y ग्रेटर देन जीरो है, क्लियर है आपका, चलिए आगे, तो इस तरह से हमने मोड एक्स प्लस मोड वाई प्लस टू वन को कन्वर्ट कर लिया इन फोर लीनियर इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं आता, अब हमें इन फोर लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और वो ये निकालना है जो इन चारों के बीच में आएगा, अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पे लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास में इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की, यदि आप इनको कन्वर्ट कर ले इंटरसेप्ट फॉर्म में तो आप लिख सकते हैं इनको, आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और वो आप कर भी सकते हो, कैसे देखो जो पहली इक्वेशन है
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स अपॉन वन प्लस वाई अपॉन वन इक्वल टू वन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड को मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन माइनस वन प्लस वाई अपॉन माइनस वन इक्वल टू वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड को लिख सकता हूं एक्स अपॉन वन प्लस वाई अपॉन माइनस वन इक्वल टू वन, और फोर्थ को लिख सकते हैं एक्स अपॉन माइनस वन प्लस वाई अपॉन वन इक्वल टू वन। तो इस तरह से मैंने एक स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट कर लिया इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्यों किया है? जानबूझ के किया है, जिससे कि हम इन चार लाइन को इजिली ग्राफ पे ड्रॉ कर सके। अदरवाइज एक तरीका वो भी है पॉइंट टेबल वाला भी, जैसा आप करते थे क्लास 8th 9th में कि एक टेबल बनाया उसमें पहले एक्स बाद में वाई, टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसमें काम हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। अब आओ जरा, ये मेरे पास है सिस्टम 1 2 1 2 1 2 1 2। पहले मैं बात करता हूं इस लाइन की, ये लाइन जाएगी एक्स एक्सिस पे वन डिस्टेंस से, वाई पे वन डिस्टेंस से, 1 1 ये चली जाएगी ऐसे। उसके बाद में ये लाइन एक्स एक्सिस पे जाएगी माइनस वन से और वाई पे जाएगी माइनस वन से। उसके बाद थर्ड लाइन एक्स पे जाएगी वन से और वाई पे जाएगी माइनस वन से। उसके बाद फोर्थ लाइन एक्स पे जाएगी माइनस वन से और वाई पे जाएगी वन से। अब वो कह रहे थे वो एरिया जो इनके बीच में है, इट मींस कहने को ये स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन आप इस स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लिखा हुआ है यूज ओनली इंटीग्रेशन है। क्योंकि होशियार तो वो भी है, उन्हें पता है बच्चे बोलेंगे स्क्वायर है सो फॉर्मूला इज साइड स्क्वायर, बड़ा चंद निकाल देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा फिर प्रॉब्लम पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे यूज करना है केवल इंटीग्रेशन को। चार पांच दिन लगता लेना, कोई तो मार देता है, जंगल ट्वेल्थ खेल ले जाएंगे ग्राउंड में। कहाँ ऐसी बात होता है, थर्ड मैंने यहाँ पे लिया, फोर्थ फिफ्थ में लगातार वहाँ पे है, उसके बाद में जो है सिक्स्थ यहाँ पे, तो लंच का टाइम क्या होगा? 10 मिनट को मारो पहले उस वाले। इसमें क्या करना है, कौन क्या जाएगा? दो दो को मारेंगे, कॉमर्स में बोलिए, साइंस बायो सब एक जो है 12th में। ठीक है, डिसिप्लिन के साथ रहना है ना, 10 मिनट का मारेंगे उसका। अब देखो हमें निकालना है इस पूरी फिगर का एरिया, इसका नाम रख लो ए बी सी और डी, ठीक है भाई। फिगर हो गई ए बी सी डी। अब जो फिगर है ए बी सी डी, इसका एरिया हमें निकालना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, टाइम बचाना है तो क्या करें, दिमाग में आ रहा है कुछ? सर हम ऊपर वाले नेक्स्ट डाल देंगे बड़े या फिर आप एक काम कर लो, आप सिर्फ इसमें स्ट्रिप डालने के दो तरीके हैं, दोनों में आप इंडिपेंडेंट हो। ये तो स्ट्रिप डालेगी वर्टिकल और वो वर्टिकल स्ट्रिप जाएगी 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि इस पॉइंट पे एक्स वन है तो 0 से लेकर 1 तक जाएगी टच करते हुए इस लाइन को, उसका कर देंगे हम 4 टाइम। तो करो फिर, यहां पे O है तो हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम
ऑफ ओ सी बी इक्वल्स टू 4 into. अब जो ओ सी बी है इसमें स्ट्रिप जाएगी आपकी वर्टिकल टच करते हुए एक्स एक्सिस को एज वेल एज लाइन को. और इन लाइन क्या है, लाइन है एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 ये लाइन है. तो आप एक काम करो फिर, चलो अभी तो आप एक्स एक्सिस पे जाएगी ना, तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से लेकर के 1 तक वाई डी एक्स, क्योंकि वाई डी एक्स स्ट्रिप का एरिया है. अब ये टच कौन करेगी यहां पे लाइन को, ये लाइन क्या है, जो लाइन टच होगी यहां पे वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, उसको लिख दो आप नीचे. क्यों लिखा है, क्योंकि जिससे आप यहां से निकाल के y की वैल्यू यहां पे रख सको. क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप y को कर देंगे इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी. तो यहां से y की वैल्यू निकाल करके यहां रख देना है. तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 0 से 1, यहां से y की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स dx. अब इसे कर दो आप इंटीग्रेट, तो ये मेरे पास में आएगा 4 टाइम 1 का बनेगा x, x का बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2 और ये आएगा 0 से 1 तक. अब रख दीजिए आप अपर वैल्यू, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हाफ, इट मींस 2 स्क्वायर यूनिट. चेक करो आंसर क्या है. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. अब सुनो कौन सा, अच्छा चलो कोई बात नहीं फिर. अच्छा एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था टेस्ट में करने के लिए, जो मोस्टली सभी से मार्क करके बोल्ड हो गए. एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 के पेज नंबर है 365. और कुछ तो टेस्ट के डर की वजह से उस दिन आई नहीं. ठीक है, बस ये है कि बोर्ड के एग्जाम देने जरूर चले जाना, ऐसा नॉन के बोर्ड के एग्जाम भी छोड़ दे.
ठीक है। एग्जाम्पल फाइव ये था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। इसके बाद दिया था ऑर्डिनेट x प्लस टू जीरो और फिर दिया था x बराबर ae। आज इन x बराबर जीरो क्या हुआ, कहां मिलता है x बराबर जीरो? x एक्सिस पे x बराबर जीरो का मतलब क्या है? वेरी गुड, ये तो हम बहुत दिन से बता रहे हैं, गजा के पढ़ रहे हो? पढ़ते नहीं, दूर क्यों बोल रहे हो? दूसरा मैथ, अच्छा तो उसको कब नेक्स्ट ईयर? एक्स बराबर जीरो तो बेसिक सी बात है, हाँ फसल आप बता दो एक्स बराबर जीरो क्या है? एक्स बराबर जीरो कहाँ मिलता है? एक्स बराबर जीरो मीन क्या? एक्स बराबर जीरो का बताओ, अब तो असर थे ना, बताओ फिर। अभी आप पैसा नजर आएगा आप पे, x बराबर जीरो बाय x जुड़ता है, सुन रहे हैं कुछ? y एक्सिस पे हमेशा x बराबर जीरो होता है और x बराबर जीरो y एक्सिस की इक्वेशन भी है, और जब होता है y बराबर जीरो तो वो होता है x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे y बराबर जीरो होता है, सुन रहे हैं? बड़ी शर्म की बात है। आजमा तुमने शर्म क्या, तुम लोग सारी शर्म तो जाए बेच के खा रखी है, मुझे जितना कह रहे समझा लें, क्योंकि इस समय तुम हवाओं में हो, ठीक है? स्कूल में तुम्हें अलाउ आना नहीं है, वीडियो देखने नहीं है, घर पढ़ना नहीं है, अब पता नहीं मन में क्या विचार करके बैठे हुए हो। x बराबर जीरो बाई एक्स की इक्वेशन होती है और इसको तुम भूल ही जाओगे, इसको तो उम्मीद ही नहीं तुम लोग बता पाओगे। एक्स बराबर ए लास्ट ईयर की बात थी क्लास 11th में, ये बताया गया था कि जब बनता है एलिप्स तो उसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस एफ वन दूसरा फोकस एफ टू। तो फिर ये बताया गया था कि एफ वन जो फोकस है वो होता है ए ई कोमा जीरो, सेकेंड फोकस एफ टू वो होता है माइनस ए ई कोमा जीरो। तो एक्स बराबर ए ई वो लाइन है जो इस फोकस एफ वन से पास होगी, इसको बोलते हैं एक्स बराबर ए ई। जैसे कि मैंने कहा कि x बराबर टू, तो x बराबर टू अपने आप में वो लाइन है जो x एक्सिस पे टू डिस्टेंस पे ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, इसको बोलते हैं x इक्वल टू टू। मान लो मैंने कहा y इक्वल टू फोर, तो y इक्वल टू फोर अपने आप में वो लाइन होगी जो y एक्सिस पे फोर डिस्टेंस पे चलेगी x एक्सिस के पैरेलल। ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है?